आ चुका हूँ एक और नया ब्लॉग जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा मैं और मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं दशहरा देखने। सो गाइस टाइम हो रहा है शाम के, देख के बताता हूँ। हाँ सो गाइस टाइम हो रहा है शाम के 3:30 बज चुके हैं और मैं ब्लॉग शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज गाइस सुबह में था काम पे और इसके चक्कर में ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाया। तो गाइस मैं ब्लॉग अब स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम जाएंगे गाइस दशहरा देखने, पहले तो मैं गाइस जाऊँगा भाई चाय दूंगी। तो गाइस ब्लॉग के चक्कर में मैंने अपने सोफे पे चाय गिरा दी यार, मम्मी बोले चलो कहाँ पे। तो गाइस ब्लॉग के चक्कर में मैंने अपने सोफे पे चाय गिरा दी यार, ये ब्लॉग मम्मी भी ना देखे तो अच्छा, चल छोड़ो। तो गाइस आज दशहरा हम दशहरा देखने आएंगे, पहले तो मैं जाऊँगा गाइस सैलून पे बिकॉज मैं अगर टोपी उतारूँ तो आपको कुछ ऐसा देखूँगा। तो पहले चलते हैं गाइस ड्राइवर लगवाते, फिर उसके बाद हम चलेंगे पहले हम किसको लेने कॉलोनी में, तो मैं आपको सीधा वहीं पे मिलता हूँ ठीक है। तो गाइस आज अच्छा अच्छा व्यू लेंगे, देखेंगे कि भाई यहाँ का दशहरा कैसा था। वैसे मैंने तो देखा है, वैसे आप सबको दिखाऊंगा। चलो चलते हैं फिर मिलते हैं आपको सीधा कॉलोनी। तो गाइस अंकित ना आउटसाइड आएगा वो जहाँ पे आपको व्हाइट सा एक छोटा सा घर दिख रहा है, हालांकि वो ऑफिस है बट पता नहीं मैं ऐसे घर के बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे आएगा उस साइड ही। तो पहले चलते हैं उसे लेते हैं फिर चलते हैं बिट्टू के पास। तो गाइस मैंने ना फेस कवर कर लिया बिकॉज धूप बहुत है यार, मेरे को बहुत चुभ रही है मेरे फेस पे और बाल कटा गए हैं तो और भी लग रही है आपको, मेरा चेहरा इस साइड से अच्छा दिख रहा होगा। तो गाइस चलते हैं पहले अंकित को लेते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं जा रहा हूँ अल्लू को लेने और वो वहाँ पे आ चुका है, चलते हैं आपको दिखाते हैं अब क्या यार। वो देखो वो आ रहा है अल्लू भाई। तो गाइस आ चुका है हमारा भाई, ये भी आज भाई टोपी पहन के, आज इसने टोपी पहन रखी गाइस तो मैंने नहीं पहन रखी। चलते हैं बिट्टू को लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं भाई कहाँ पे हमें कैसे क्या करना है। वैसे तो हम देखेंगे यार, दो जगह यहाँ पे लग रखा है दशहरा, एक तो दशहरा ग्राउंड में लग रखा है, दूसरा हमारे है एक, आपको क्या पता चलेगा। चलो फिर भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो गाइस हम दोनों तो चल पड़े हैं और आगे चल के आप बिट्टू को भी लेते हैं फिर मिलते हैं आपको उसके घर। तो गाइस अंकित तो पीछे चला गया है, क्या कहते हैं हर नाई की दुकान पे बिकॉज उसने अपने बाल में ड्रायर लगवानी थी। मैं बिट्टू के घर के पास पहुँच गया, अब उसे लेते हैं और फिर चलते हैं। चेतन भी आ रहे हैं, ये हो चुके हैं और क्या कहते हैं लोग खाली बंच रह गए और बाकी लोग पे भाई अभी से यहाँ पे लग पड़े हैं, चलते थोड़ी देर में चार सौ बच्चे हुए बंच थोड़ी देर में आ रहे हैं और उसके बाद एक दो बंदे हमारे आ रहेंगे फिर चलते हैं। जैसा कि सब लोग आ चुके हैं और मेरे पीछे देख सकते हो कितने सारे मेरे सारे फ्रेंड्स ही हैं, चलते हैं आप दशहरा ग्राउंड। और गाइस मैं स्टेशन के बगल से जा रहा हूँ सो हम लोग देखते हैं इधर जाएं क्योंकि इधर से गाइस हमें नेड़े पड़ जाएगा। और मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे हैं हम दोनों, वो लोग पीछे भाई अपनी मस्त मगन आ रहे हैं, देखते हैं गाइस वहाँ पे क्या भी मिलता है अच्छा। और मैं आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पे गाइस न्यू डीएफसी जो बनाया था इन्होंने लाइन यहाँ पे भी, ये वाली देख सकते हो ये भी नवी लाइन बिछाई है जो कि अभी कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे बिछी है बिकॉज अभी पहले यहाँ पे प्लेन था। सामने आप देख सकते हो हमारा स्टेशन। तो गाइस हम स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप और इस साइड लंबी लाइन दिखा रखी है। ये वाला भी नमा लग रहा है मेरे साथ में। तो भाई और कुछ बोल दो। भाई स्टेशन मास्टर का कैबिन भी तोड़ दिया यार यहाँ पे तो, पर हाँ गाइस यहाँ पे डीएफसी पड़ेगा ना इसलिए तो तोड़ दिया। देख रहे हो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। तो भाई इतनी भीड़ देख सकते हैं अब, ये सब ना दशहरा ग्राउंड ही जा रहे हैं सब लोग और हम लोग भी इस नमी लाइन के ऊपर से जाएंगे। ये देख सकते गाइस ये नमी बनाई है इन्होंने। We'll be right back.
गाइस हम ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं, तो बस यहाँ से हमें नेड़े पड़ सकता है, तो चलते हैं सीधा। मैं आपको दशहरा ग्राउंड में मिलता हूँ। वो भैंस की टांग भाई, मेरे को लग ही रहा था कि पंजाब में इतने ठंडे में मतलब इतने बंदे रहते होंगे, और मैं और मेरा भाई बंदा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, तो मेरा तो टाइम रामलीला का प्रोग्राम किया, और यकीन जाने हो, यकीन जाने हो, मैं एक बार तो फिर पॉजिटिव विचार रखने ने। और कपिल इधर अपना सम्मान चिन्ह लेके जान, सो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंगर आए हैं दिलप्रीत। और गाइस मैं ज्यादा मोबाइल यहाँ पे निकालने नहीं वाले, बिकॉज मुझे भरोसा नहीं है यार। यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्ती ने एक धन्ना शहर की ही नहीं बल्कि पूरे देश की, गाइस इस बार क्रेन वेन सब लग रखी है, पूरा बंदोबस्त है, बिकॉज पिछली बार रावण ने यार किसी बंदे के ऊपर गिर गया था क्या, बचने ही वाला था। पीछे सूरज भी देखे ना साले, वही ना कर रहे हैं लौंडे। सो गाइस मैं यहाँ पे ब्लॉग ज्यादा कर नहीं सकता, दशहरा पर्व आपां नूं भगवान राम के जीवन तो भी प्रेरणा दिंदा, उन्हां दा मर्यादित जीवन। तो गाइस सगल की बैंड बज चुकी है, और आप देख सकते हो अपने परिवार दे विच अपने समाज दे विच उन्हां नूं आपां जींदे नहीं, उन्हां नूं आपां कोई ना कोई ऐसी शहर से कदे उन्हें तां जो असीं लोग रल मिल के अपने भाईचारा सांझ नूं पाउंदियां। यही साडे संस्कार ने, यही गुरुआं ने बाणी दे विच फसिया, यही शिक्षा दित्ती है जिहदा असीं अज निर्वाह करन इत्थे पहुंचे हां। गाइस ये लोग कितने नूब है यार, 15 मिनट से बोल रहे हैं, चलाने को अभी तक जला ही नहीं।
इसी नाइट शॉट में साइड से दे रहा हूँ और दे सकते हो गाइस, सीधा घर पे मिलते हैं यार, यहाँ पे फोन चोरी हो सकता है। और हम सब जा रहे हैं घर, सब लोग यहाँ पे अपना बैठे थे, ये यहाँ पे फोन चला रहे हैं, चैतन्या वहाँ पे पानी पी रहा है यार, अंकित भैया ये रहे, मोहित भैया भी ये रहे और बाकी वहाँ पे जा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं सीधा घर पे। यार मेरे पैर बहुत दुख रहे थे सच्चे में तभी यार गाइस, एक तो मैंने मोबाइल वहाँ पे इसलिए नहीं चलाया क्योंकि यार इतनी भीड़ थी और मुझे पता ही नहीं यार भाई कब कौन किसका मोबाइल वहाँ पे छीन रहा था, इसलिए मैंने फोन निकाला ही नहीं यार। तो गाइस ये लोग सब लोग अपना बैठ चुके थे और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा बैठ जाऊँ बिकॉज पैर में मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यार, भाई के पैर में बहुत दर्द है।